गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10 इन जीके, दैट इज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस होती है उसको हम मॉन्यूमेंट्स का नाम दे देते हैं. तो इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आपको अपनी कॉपी में भी ये वर्क करना है. टोटल 9 है, 1 to 9. वो 9 के 9 नेम्स आप लिख लोगे. यहाँ आप चेक कर सकते हो, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, गोल्डन टेम्पल, लोटस टेम्पल, सांची स्तूपा, एलोरा केव्स, भूल भुलैया, गोल गुंबज एंड ताजमहल. ओके, तो ये सार वर्क जो है ये आपको अपनी कॉपी में भी करना है. फर्स्ट क्या है ये हमारा? फर्स्ट है बुलंद दरवाज़ा. ओके, सो हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे बुलंद दरवाज़ा. ओके, नेक्स्ट वन इज लोटस टेम्पल. दिस इज लोटस टेम्पल, ये कहाँ है? दिल्ली में है. थर्ड वन इज गोल गुंबज. फोर्थ वन इज एलोरा केव्स, अजंता एलोरा केव्स, नेम सुना होगा आपने मुंबई में. फिफ्थ वन इज भूल भुलैया, भूल भुलैया. सिक्स्थ वन इज कुतुब मीनार. ये अपने इन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार. गोल्डन टेम्पल सब जानते हैं अमृतसर में. एट्थ वन इज सांची स्तूपा, सांची स्तूपा. एंड नाइन्थ वन इज ताजमहल, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स में से है. ओके, तो ये 7 के 9 के 9 आपको अपनी कॉपी में करने हैं. इलेवेंथ वन इज रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया. इंडिया के रिलीजियस प्लेसेस कौन से हैं? फर्स्ट है अपना जामा मस्जिद. तो आपको क्या करना है? आपको एक जगह लिखना है प्लेसेस और एक जगह लिखना है नेम ऑफ प्लेसेस. ठीक है, कौन कौन से नेम है प्लेसेस के? जामा मस्जिद, वैष्णो देवी, बोध गया. और यहाँ आप क्या लिखोगे राइट हैंड साइड में कि लोकेशन, या लोकेशन लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो सिचुएटेड इन. जैसे फर्स्ट है हमारा जामा मस्जिद, तो आप यहाँ लिखोगे जामा मस्जिद. ये मैं आपको सिर्फ रफ में बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही करोगे. पहले चैप्टर का नेम लिखोगे, फिर आप लिखोगे नेम ऑफ प्लेसेस और सिचुएटेड इन. तो जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद जैसे दिल्ली में है तो इधर आप जामा मस्जिद लिखोगे, फिर सिचुएटेड इन दिल्ली. ओके, क्योंकि मैं आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देने वाली हूँ. मैंने क्वेश्चन बनाया जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन, तो आपको लिखना है दिल्ली. सेकंड है हमारा वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. थर्ड वन इज बोध गया इज सिचुएटेड इन बिहार. फोर्थ वन इज जगन्नाथ टेम्पल इज इन उड़ीसा. फिफ्थ इज टेम्पल ऑफ तिरुपति इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. सिक्स्थ इज मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु. सेवेंथ इज टेम्पल्स ऑफ हरिद्वार, इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड. श्री हर मंदिर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, इट इज सिचुएटेड इन अमृतसर. दिस इज सेंट फ्रांसिस चर्च, इट इज सिचुएटेड इन केरल. ओके, नाउ 12th चैप्टर इज फेमस वुमेन ऑफ इंडिया. इसमें भी आपको यही करना है, फेमस वुमेन ऑफ इंडिया लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे राइट हैंड साइड में सारे नेम्स और उनके सामने उनके आंसर्स लिखोगे. जैसे फर्स्ट है किरण बेदी, तो किरण बेदी कौन है? हमारे आईपीएस सर्विस है फर्स्ट, तो आप इसके सामने लिख दोगे इंडियन पुलिस सर्विस.
सर्विस. ओके, नेक्स्ट है आपके पास जैसे इंदिरा गांधी. तो इंदिरा गांधी कौन थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 15 ईयर्स. तो इसके सामने इसका आंसर लिखोगे कि शी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 15 ईयर्स. गॉट इट. वैसे ही मिताली राज. तो मिताली राज कौन है? एक इंडियन वुमेन की क्रिकेट टीम में से है. इंडियन वुमेन है क्रिकेट टीम में से. तो आप यहाँ लिखोगे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम. गॉट इट. लता मंगेशकर. तो लता मंगेशकर कौन थी? प्लेबैक सिंगर, फेमस सिंगर रह चुकी हैं ये. बचेंद्री पाल. ये कौन है? फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो ये पूरा आपको यहाँ लिखना है. कल्पना चावला. तो नासा एस्ट्रोनॉट. तो ये आपको कॉपी में ऐसे ही करोगे. नंबर वन किरण बेदी, उसके सामने उनका आंसर. सेकेंड है इंदिरा गांधी, उसके सामने उनका आंसर. ओके, सो आपको ये लर्न करना है, राइट करना है अपनी कॉपी में. कैसे राइट करोगे? मैंने आपको बता दिया. टोटल आज हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं. 10, 11, 12. ओके, एंड 13-1 ये भी सेम आपको करना है. ओनली इसके सामने हमारे को क्या करना है? आंसर लिखना है. जैसे फर्स्ट है अपना, आपने चैप्टर का नेम लिखा है स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. फिर आप इसमें लिखोगे स्टेट्स और यहाँ लिखोगे कैपिटल. ठीक है, इस कॉलम ए की जगह आप लिख देना स्टेट्स और यहाँ आ जाएगा कैपिटल्स. सामने ही आंसर लिख दोगे, जस्ट सामने. जैसे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद. तो उसके सामने उसका आंसर आ जाएगा हैदराबाद. ओके, वैसे ही सेकंड का क्या है? आसाम. तो आसाम का क्या होता है? दिसपुर. तो इसके सामने ही इसका आंसर लिख दिया. बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की है पटना. छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर. तमिलनाडु कैपिटल इज चेन्नई. तमिलनाडु कैपिटल इज चेन्नई. महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई. कर्नाटक इज कैपिटल इज बेंगलुरु. हिमाचल प्रदेश कैपिटल इज शिमला. यूपी कैपिटल इज, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश कैपिटल इज लखनऊ. मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल. राजस्थान कैपिटल इज जयपुर. झारखंड कैपिटल इज रांची. गुजरात कैपिटल इज गांधीनगर. ओके, गुजरात कैपिटल इज गांधीनगर. वेस्ट बंगाल कैपिटल इज कोलकाता. उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून. पंजाब एंड हरियाणा कैपिटल इज चंडीगढ़. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 13. चैप्टर 9 to 10 to 13 वी हैव कंप्लीटेड. नाउ यू हैव टू डू इन योर कॉपी. थैंक यू.